कब तुमसे मुझे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैं इसको छोड़ नहीं सकती, इसीलिए ये रिश्ता टूटा नहीं। किसी के लिए एक चीज के मायने क्या होते हैं, वह क्या है जो किसी चीज को कीमती बनाता है, उससे जुड़ी यादें, कहानियां या फिर एक लड़ाई उस उम्मीद के साथ उस चीज को पा लेने की। मारा के साथ हुई एक वर्कशॉप में जब हमने 13 केस वर्कर्स से पूछा कि वह कौन सी चीज है जो उनके लिए एक सबसे कीमती है, उन्होंने हमें बताया, पेन मेरा, मुझे बहुत प्यार था, मैं चाहती थी कि मैं शादी ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन इंटर तक की पढ़ाई के बाद जबरदस्ती शादी हो गई, शादी के बाद फिर मेरा इसका रिश्ता छूटा, लेकिन वापस आके फिर मैंने इसकी इसके साथ दोस्ती कर ली। बहुत पड़ाव आए और लेकिन मैंने इसका साथ नहीं छोड़ा, और आज भी मैं शायद जितनी अपनी बात को मुंह से नहीं कह सकती, उतनी मैं इसके जरिए, इस दोस्त के जरिए मैं आज अपनी बात लिख सकती हूँ। सब शाही फैल जाती थी, हाथ गंदे हो जाते थे, मैं अब ऐसे सुंदर तरह के इसके साथ लूप्स आकार नहीं बनाती थी, सीधा सीधा लिखने लगी। बिल्कुल उसमें कुछ भी सुंदरता मैंने सारी हटा दी और मुझे लगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ। और फिर मैं तो अपने ही लिखने को नहीं, वो कलम को लेकर के दूसरों के साथ भी काम करने लगी। जमाना बदला, कंप्यूटर आया, सब पटर 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 करने लगे, पर मैंने इसको छोड़ा नहीं। आज भी मैं जब लिखती हूँ तब मैं इसी के सहारे लिखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जिस तरह से मैं इसके साथ लिख सकती हूँ वो मैं हूँ। छोटी सी डायरी, मेरे पापा तो बैग में, पापा की जेब में रहती थी, तो पापा कहीं से भी कुछ पैसा या नंबर किसी को चाहिए होता था तो पापा कहते इस पे लिख दे और रख दे, तो हमें बहुत पसंद थी डायरी। आज भी जब घर में कोई लड़ाई और संघर्ष होते हैं तो मेरा बैग भी, मेरी डायरी भी छीन ली जाती, लेकिन मैंने बैग को नहीं, किसी बच्चों से या किसी और से बोल देती हूँ कि मेरी डायरी उठा लो, तो मैं इसको छुपा कर रख देती हूँ। मुझे याद है मेरी मम्मी मुझे हमेशा पीठ में आके एक घूंसा मार देती थी, दुपट्टा होड़ के रहा करो, दुपट्टे के सीना दिखा के नहीं रहा करो, अच्छी लड़कियों की निशानी नहीं है। आखिर समझ गई कि मैं दुपट्टे के बिना इस घर पे तो नहीं रह सकती, फिर मैंने तुमसे प्यार करना सीख लिया और मैंने दुपट्टे को अपने स्टाइल पे डालना सीख लिया कि जब मैं दुपट्टा होड़ूँ तो थोड़ा स्टाइलिश लगूँ। तो ज़्यादातर लोग दुपट्टा ऐसे डाल लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा दुपट्टा इस तरीके से डालती हूँ कि मुझे जो दिखाना है वो मैं दिखा भी देती हूँ, मैं ऐसे डालती हूँ, मम्मी की भी खुश और मैं भी खुश। मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत खास है मेरा फोन। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन जॉइंट फैमिली में मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे हमेशा सेकेंड हैंड फोन मिलता था जो मुझे बुरा लगता था। फिर धीरे धीरे शादी हुई तो शादी के बाद हस्बैंड ने फोन दिलाया, मैंने कहा दूसरे ही दिलाते रहेंगे, मैं खुद कब लूंगी पता नहीं। फिर शादी वादी सब वो टूट गई कर गया, फिर उसके बाद मैं जब जॉब लगी 3-4 महीने पैसे इकट्ठे किए और फिर मैंने फोन, मैंने कहा मैं अपना फोन लूंगी, लेकिन ऐसा हुआ कि मम्मी के पास फोन नहीं था, तो फिर उनका बर्थडे आया तो फिर मैंने इंस्टॉलमेंट में मम्मी को फोन दिलाया पहले, फिर उनकी 7-8 महीने बाद उनकी इंस्टॉलमेंट उतरी, फिर मैंने कहा अब मैं अपना फोन लूंगी। फिर वो पापा जो शेयर मार्केट का काम करते
उनके उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, बोले रिकॉर्डिंग नहीं होती मेरे इसमें, तो मैंने कहा आपको भी चाहिए नया तो कह दो फिर ही मैं लूं, आस पड़ोस को भी दिलागे, घर वालों को दिलागे, फिर मैं फोन लूं लास्ट में, किसका किसका खराब हो गया लिस्ट ले आओ घर में सबके। फाइनली मेरे टाइम आया फोन लेने का, तो फोन ले ही रही थी लेकिन बड़े पापा ऑफ हो गए, मैंने कहा तो फिर बोले अब 12 दिन लेना, अब सूतक में फोन लेना नहीं है। इसमें फोन को कौन सा सूतक लग रहा है, बोले 12 दिन बाद लेना, तो मैंने कहा ठीक है। 10 दिन तो निकल गए लेकिन 11वें दिन ऐसा हुआ कि दुकान वाले का फोन आया, बोला फोन लास्ट वीक से मिल नहीं रहा है, बिक जाएगा, मेरे को कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, तो मैं वहां पे गई दुकान में, फिर मैंने उनकी दो अंकल की दुकान से फोन लिया, फिर ऐसे करके 11 दिन बोला सूतक में क्यों लिया, ये उसके लिए मुझे बहुत डांटा वापस से, अब आप लड़के ही लगाओ सूतक, मेरे को नहीं लगने वाला। फिर मैंने ये फोन लिया और मैंने मेरी कमाई से लिया, किसी ने मुझे दिलाया नहीं, बहुत खास है मेरा फोन।